Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 4 quadratic equations. Find the roots of quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0. Right? Hame equation given as 6x square minus x minus 2 is equal to 0. Factorisation ke liye hum log yahan par splitting the middle term use karenge. So splitting the middle term mein humne kya karna hai? Ye x square ke coefficient aur constant humko aapas mein multiply karna hai. 6 into 2 that is equal to 12 और 12 के ऐसे factors बनाने हैं जिनका difference क्योंकि यहाँ पे minus का sign है जिनका difference ये x का coefficient आ जाए क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 actually में ठीक है तो 1 आ जाए और 12 के ऐसे factors होते हैं 4 और 3 right और 4 minus 3 हो जाता है 1 समझ आ गया किस तरीके से factors बनाते हैं तो ये हो गया हमारा 6x square minus 4x plus के 3x minus के 2 That is equal to 0. बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पे क्योंकि माइनस एक्स है तो नेचुरली यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा तभी माइनस वन आएगा ना ठीक है माइनस प्लस की कहानी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x तो यहाँ आ गया हमारा 3x माइनस 2 और इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस के 1 तो ये आ गया 3x माइनस 2 हमेशा ध्यान रखो दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए तो ये ब्रैकेट हमारा आ गया एक और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 2x plus 1 ये दोनों आ गए 2x plus 1 that is equal to 0 इसका मतलब 3x minus 2 is equal to 0 और 2x plus 1 is equal to 0 right so 3x is equal to आ गया हमारे पास 2 और x is equal to आ गया हमारे पास 2 by 3 और यहाँ पर 2x is equal to आ गया minus 1 तो x is equal to आ गया minus के 1 by 2 तो इससे हमारे जो रूट्स आ गए वो आ गए हमारे दैट इज 2 बाई 3 एंड माइनस के 1 बाई 2 ये हमारा हो गया आंसर होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें ऑल द बेस्ट